माननीय मंत्री पशुपालन अपना पक्ष रखें, कृपया 5 मिनट में समाप्त कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें हर्ष प्राप्त हो रहा है कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट पे बोलने का मौका मिला है। इसके लिए हम एनडीए के सभी गठबंधन के सभी साथी और हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे 7 निश्चय 2 के तहत हमारे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए का राशि उन्होंने मुहैया कराने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं क्योंकि समय नहीं मिलेगा तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे साथी हमारे बड़े भाई अनिल सहनी जी ने सदन में अपनी बात को उन्होंने रखा, मैं चाहता हूं कि उस पर मैं कुछ जवाब दे दूं कि हमारे साथी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपया टोकन पे मछुआरा समाज को तालाब देने का निर्णय लिया गया था। निश्चित तौर पे इस पे हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन हम लोगों ने पूरे बिहार में जितने भी हमारे मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत किया है, जिसमें से 486 मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष से हमने बात किया, जिसपे 288 मंत्रीगण ने उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उनका कहना है नहीं, और 65 ही उनके पक्ष में आया, क्योंकि इसी तरीके का निर्णय 1991 में भी सरकार के तरफ से लिया गया था कि बहते हुए नदी को सरकार ने माफ किया गया था उसका राजस्व, लेकिन उससे सरकार का बिहार के मछुआरा का कोई भी लाभ नहीं हुआ। उस समय की अगर आबादी कहेंगे तो 50 लाख से अधिक मछुआरा का आबादी था, लेकिन अगर देखा जाए तो उससे लाभ सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए का लाभ हुआ, जो हर एक मछुआरा के ऊपर 1 रुपया का भी लाभ नहीं हो पाया। लेकिन उसके चलते बिहार में बड़े पैमाने पर वो तालाब पे से खास करके परंपरागत मछुआरा भाई जो थे उनका अधिकार छिन चुका, क्योंकि वहां पे गैर मछुआरा वहां पे कब्जा कर लिए। इसके लिए आज उनके रोजी रोटी में संकट है, तो इसलिए सरकार गंभीर है खास करके बिहार के मछुआरा के हक में काम करने के लिए। और आने वाले समय में भी हम लोग चाहेंगे कि बिहार में खास करके परंपरागत मछुआरा का नाम सूची जारी करकर, और इस तरीके का हम लोग चाहेंगे कि परंपरागत मछुआरा का विशेष तौर पर उनको लाभ दिया जाए। फिर हमारे साथी ने कहा कि मछुआरा आवास निषाद समाज को मिले, निश्चित तौर पे हमारे सरकार के तरफ से खास करके मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार का योजना के तहत हम पूरे बिहार में मछुआरा भाई के लिए हम लोग आवास बनाने का काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी बड़े पैमाने पर आवास बनाया जाएगा। और साथी ने ये भी कहा कि मछुआरा आयोग बिहार में गठित होना चाहिए। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में पहले भी मछुआरा आयोग गठित था, और आने वाले समय में भी जल्द से जल्द इस पे गठित किया जाएगा। साथियों, अभी मैं चाहूंगा कि अभी बिहार में खास करके हम अपने मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा बिहार में खास करके मछुआरा भाई के लिए हम लोगों ने स्कीम लाया है कि उनको जाल, नाव और ताना जाल, ये सारे चीज हम लोग, और मछली बेचने के लिए किट का व्यवस्था हम लोग 90% अनुदान पे खास करके अति पिछड़ा समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए हम लोग ये मुहैया कराने के लिए जा रहे हैं साथी ये। और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विचार है कि बिहार में पशु का बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए हम लोग 8 से 10 पंचायत पे मोबाइल ऐप के जरिए और कॉल सेंटर के जरिए हम पशु को बेहतर उपचार दे सके, इसके लिए हम पूरे बिहार में इस तरीके का जाल हम बिछाने के लिए जा रहे हैं, ये हमारे प्रस्ताव में है। उसके बाद बड़े पैमाने में बिहार में खास करके मछुआरा भाई के लिए, मत्स्य पालक भाई के लिए मछली बेचने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाजार तो है लेकिन खुदरे लेवल पे बाजार नहीं है, तो इस साल में हमने प्रस्ताव रखा है कि बिहार में प्रखंड लेवल पे हम मछली बाजार बनाने के लिए जा रहे हैं, जहां पे खास करके मछुआरा भाई वहां पे व्यवस्थित होके आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, वहां पे बैठकर अपनी मछली का व्यवस्था कर सके। उसके बाद हम गप विभाग के द्वारा हमारे योजना में है कि खास करके बिहार में दूध को बढ़ावा देने के लिए खास करके दूध ज्यादा से ज्यादा संग्रह हो, इसके लिए पूरे बिहार में हम खास करके किसान भाई को हम 2 और 4 गाय और भैंस का हमारा स्कीम है, जो हम लोग 90%
अनुसूचित जाति और एससी के लिए और अति पिछड़ा भाई के लिए हम लोग 90% अनुदान पे उनको मुहैया करा रहे हैं और बड़े पैमाने पे है। और इस साल में खास करके हम लोगों ने बजट में एक्स्ट्रा रखा है कि खास करके इसमें युवा को भी हम इसमें लाएंगे और डेयरी प्रोजेक्ट के तहत उनको 50-100 बफेलो पे गांव पे भी सब्सिडी देंगे ताकि बिहार में दूध का उत्पाद ज्यादा हो और बिहार में युवा को रोजगार बिहार में मिले, इसके लिए भी हमारे सरकार ने इस योजना पे काम करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हर साल खास करके मछुआरा भाई के लिए बाढ़ के समय में आपदा के समय में काफी परेशानी होता है और फसल के पे बीमा तो है, उनको किसान को मुआवजा मिलता है लेकिन खास करके मछुआरा भाई को मुआवजा नहीं मिल पाता। इसके लिए हम लोग खास करके तालाब को बीमा में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं ताकि उसका भी लाभ मछुआरा भाई को अगर क्षति हो जाए तो उसका भी लाभ हम लोग आने वाले समय में देंगे। उसके बाद बिहार में नए टेक्नोलॉजी के साथ मछली पालन के लिए भी व्यवस्था किया गया है जिसमें बायोफ्लॉप के जरिए आप घर पे बैठे बैठे टैंक में आंगन में भी कहीं पे भी आपके थोड़ा सा भी जगह हो तो वहाँ पे बायोफ्लॉप के जरिए आप मछली पालन कीजिए और अपने घर बेहतर चला पाएंगे। ये भी हमारे पास एक नई स्कीम हम लोग ला रहे हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुकूल हम पूरे बिहार में जो लैंड भूमि जो हमारे उपजाऊ नहीं है जिसमें बरसों पानी लगा हुआ रहता है ऐसे चौर प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं जिसमें ऐसे तालाब पे सरकार के तरफ से अनुदान हम लोग देंगे और वो हर एक हेक्टर पे 6-7 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा ताकि पूरे बिहार में ज्यादा से ज्यादा तालाब का निर्माण हो और बिहार में मत्स्य पालक भाई वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मछली पालन करके अपना काम कर सके। निश्चित तौर पे बंगाल से मछली आता था लेकिन आने वाले समय में अभी फिलहाल नहीं आ रहा। आप ऐसे बैठे ना बोले, शांति रखें, निजी तालाब के जीर्णोद्धार के संक्षेप करें। जी, निजी तालाब के जीर्णोद्धार के लिए हम लोग योजना ला रहे हैं ताकि तालाब का आकार बड़ा हो और मत्स्य एवं मत्स्य विकास भवन एवं एक्वेरियम का निर्माण हम लोग आने वाले समय में कराने के लिए जा रहे हैं। नए तालाब का मछली पालन हेतु ट्रेनिंग के लिए योजना का प्रस्ताव रखे हैं। राज्य में मछुआरा की सुरक्षा बीमा के लिए हम लोग व्यवस्था कराए हैं। 5-10 हजार क्षमता वाले लेयर पोल्ट्री फार्म के स्थापना के लिए हम लोग ये रखे हैं। और अंत में मैं कहूंगा कि हमारी सरकार के तरफ से एक विशेष तौर पे से हम एक योजना लाए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में पशु के लिए बेहतर आहार के लिए हम लोग अभी भी हमारे कॉम्फेड के जरिए हम लोग आहार मुहैया कराते हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट पे हम लोग आहार मुहैया कराते हैं। आने वाले समय में पशु को बेहतर आहार मिले इसके लिए हम लोग सब्सिडी रेट पे हम चारा का व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे करने के लिए जा रहे हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे ये जो चारा होगा सिर्फ पशु के लिए होगा, उसके लिए उसके अलावा किसी इंसान के लिए नहीं होगा, सिर्फ पशु के लिए होगा। और ये पशु के लिए होगा, ना ही कि किसी इंसान के लिए होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी हमारे साथ। मैं पटल पे मैं रखता हूँ। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।